الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله تعالى دي حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ ہے جمعہ المبارک دا موضوع ہے شان حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چوتھے امام نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہ دی فقہ حنبلی کہی جاندی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شان اور بہت بڑی عظمت دے مالک نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بہت بڑی شان عطا فرمائی سی حضرت بشر حافری رحمت اللہ علیہ تساں نام کئی دفعہ سنیا ہوئے گا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ دے کولو کسے نے پوچھا آپ دے یک زمانہ نے ایک ہی زمانہ ہے اور ایک ہی شہر دے نے ایک جگہ تے رہندے نے وہ بھی اتھے رہندے سن آپ بھی اتھے رہندے نے تو کسے نے
हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह आप नू जाके अर्ज की थी कि हुजूर जिस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दीन का कम कर रहे ने और दीन के वास्ते तकालीफ बर्दाश्त कर रहे ने तुसी उस तरह क्यों नहीं कर दे। तो फरमाया कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दी शान ही है जेड़े वो कम कर रहे ने साढ़े जहाँ को ऐसा कम नहीं होना क्योंकि जो काम कर रहे ने ये मकामे नबूवत का काम है कि नबी वो नहीं ने लेकिन जेड़ा काम कर रहे ने वो नबियां वाला ही काम कर रहे ने। तो इन्नी शान दे मालक सन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह विच हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह दी बहन आई फतवा लैन दे वास्ते। अर्ज कीती कि हुजूर मैं अपने मकान की छत से रात में बैठी होनी हाँ और सुतर कतरी होनी हाँ बादशाह की सवारी गुजरती है और उसकी सवारी के नाल लोगों ने रोशनी की होंगी है तो उसकी जी रोशनी है वह साढ़े मकान की छत से भी पहुँचती है तो क्या उस रोशनी से जी वो पहुँचती है उस पर मैं अपना सूद कत सकनी हाँ। तो आपने फरमाया कि हाँ तुम कत सकते हो इस विच कोई हर्ज नहीं। फिर आपने थोड़ी देर अभी हुई है तो आपने सोचा कि इतना बारीकी का मसला पूछने वाली ये है कौन से को पूछा जाए तो फरमाया कि तू अपना तारफ करा कि तू है कौन। तो फरमाया कि मैं बिशर हाफी की बहन हाँ। फरमाया अगर तू बिशर हाफी की बहन है तो फिर तेरे वास्ते उस रोशनी ते सूद कतना नाजायज़ है हराम है तू नहीं कत सकती। अगर कोई आम औरत होती तो कत सकती सी। और हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह आप एक जगह पर बैठे सन और एक आदमी शहर नू छोड़ के जा रहा है तो आपने पूछा कि क्यों जा रहे हैं। कहता जी कि मैनू इस तरह लगता है कि शहर से अल्लाह का अजाब आ जाएगा तो मैं इस वजह तो जा रहा वहाँ कि मैं अजाब के कुल बच जावा। तो आपने फरमाया कि तैनू नहीं पता कि इस शहर के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मिजार है तो जिन्ना दी इत्थे मिजार है उन्हां दी यह शान है कि उन्हां दी मिजार की वजह तू इस शहर से अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। फरमाया इस वजह तू शहर नू छोड़ के ना जावी इत्थे इमाम अहमद बिन हम्बल की मिजार है उन्हां दी बरकत दे नाल पूरा शहर अल्लाह के अजाब को महफूज रहेगा। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप वो इमाम ने कि हुजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुभानी गौसे जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर गौसे पाक सरकार आप दे मुकल्लद ने फिका दे विच आप दे मुकल्लद ने हम्बली फिका दे आप मुकल्लद ने और पहले आप हनफी सन हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले आप हनफी सन क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात दे चार इमाम ने और चार ही फिका ने एक फिका हनफिया है जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी है और दूसरी फिका मालकिया है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी फिका है और तीसरी फिका शाफी है जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह दी है और चौथी फिका हम्बली है जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दी फिका है। तो आप पहले हनफी सन हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो तो आप गए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप दी मिजार शरीफ ते उन्हां दे हाजरी देन दे वास्ते आप फरमाते ने कि जिस वक्त मैं उन्हां दे मिजार शरीफ ते गया वहां तो वो अपनी कबर दे विचों बाहर आके मैनू मिले ने और मैनू मिल के अपने गले लगाया और मैनू ये क्या कि ऐ शेख अब्दुल कादर जिलानी तू मेरी फिका विच आ जा कि तुसी मेरी फिका नू अपना लो। तो उन्हां दे कहण ते फिर आपने फिका हनफिया नू छोड़ के फिका ए हम्बली नू अपनाया। तो ये शान है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 164 हिजरी दे विच आप दी विलादत हुई है और 2 साल की उम्र मुबारक है कि आप दे जिहड़े वालदे मोहतरम ने इस जहान तो चले गए।
उन्हों का विसाल हो गया और फिर आप दी वालदा मुहतरमा ने आप नू पढ़ाया, दीन पढ़ाया, दीन सिखाया और दीन का तालबे इलम बनाया और फिर दीन पढ़िया, दीन सिखिया, यहाँ तक के फिका दे इमाम बन गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह आप 9 उम्री दे विच ही बचपन दे विच ही आपने इल्मे दीन हासिल कर लिया सी और आप दे जो असातज़ा ने बड़े बड़े नामवर जो उलमाए किराम ने वो आप दे असातज़ा ने यहाँ तक कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्ला अलैह जो कि फिका शाफिया दे इमाम ने वो आप दे उस्ताद ने। तो एक फिका दा इमाम आप दा उस्ताद है और आपने फिर अपनी फिका जो हमली है उस आपने बयान फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह आपने बड़े बड़े उस वक्त दे जो मुहद्दस और मुफस्सर सर उन्हों तो आपने कुरान पाक और दीनी उलूम आपने हासिल फरमाए और उस तो बाद फिर जो वक्त का बादशाह है उसने आपनू कहा कि तुसी साढ़े नाल आ जाओ, असी तुहानू नौकरी देने आ, काजी रखने आ। आपने फरमाया कि मैनू तुहाडी नौकरी नहीं चाहिए, तर्क फरमा दी। और इतने बड़े इमाम ने जेड़े फिका दे इमाम ने और उन्होंने तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है, क्योंकि जड़िया शाना ने वह तकवे नाल मिलदिया ने, परहेजगारी दे नाल मिलदिया ने, गुफ्तगू करन दे नाल शान नहीं मिलती। शान मालक ने उदों ही अदा करनी है कि जदों उस मालक का बंदा खालस हो जाएगा। तो इखलास और जोहद और तकवा किस हद तक है कि आप दे घर कदे किसी दुनिया का सामान नहीं वेख्या और आपकी जो खुराक है वो कैसी होती सी कि सुखी रोटी और नमक आप दे घर होना है। सुखी रोटी उसनू आपने पानी दे वेच डुबो के उस नरम करना है और उस दे ऊपर नमक लगा के आपने उसनू तनावल फरमाना है। और बड़िया बड़िया ऑफर आई ने, बड़े बड़े जेडे वक्त के खलीफे ने उन्होंने नौकरियां दित्तियां ने, आप दी बारगाह में सोना चांदी उस दे ढेर ला के छड़े ने कि तुसी आ सोना ले लो, चांदी ले लो, इन्ना रुपया पैसा ले लो और साड़ी हिमायत करो। फरमाया कि मैं थोड़ी हिमायत नहीं करांगा, मैं अगर हिमायत करनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दी करनी है। और आपने बादशाह का जुलम बर्दाश्त किया, वक्त के बादशाह के जुलम नू आपने सिया उसका मुकाबला किया, कैद में जिंदगी गुजारी, कैदी बनना पसंद किया, लेकिन आपने कभी गलत का साथ नहीं दिता। और तकवा कितना है कि एक दफ़ा कोई ज़रूरत की चीज़ आपनू चाहिए और उसके वास्ते आपने कोल रकम कम पड़ गई, आप दे उस्ताद ने इमाम अब्दुल रजाक रहमतुल्ला अलैह और आप दे नाल दीगर साथी सन उन्होंने फरमाया कि तुसी साढ़े कोलो ये जेडे पैसे कटते ने वो लै लवो। आपने फरमाया कि नहीं, सामने लोग उठ चलांदे सन, उठा दी मजदूरी सी, तो आप उत्थे गए, आपने जाके उन्होंने ऊठ चलाए और उत्थों मजदूरी करके आपने मजदूरी ली और उस दे नाल अपनी जरूरत पूरी फरमाई। यानी कि आप लोगों को तोहफे नहीं लेंदे सन, हदीये तबर्रुक जो नजराने लोग देंदे ने और लोग वसूल करते ने, तो आपनू ये चीज़ पसंद नहीं सी। आप किसी को कोई हदिया या तबर्रुक भी नहीं लेंदे सन, नजराना भी नहीं लेंदे सन, अगर कोई आपनू पेश करता सी आप इनकार फरमा देंदे सन और अपनी जरूरतां मजदूरी करके पूरियां करनियां ने, कि तबर्रुक नहीं लेना और अपनी जो जरूरत है उसनू मजदूरी करके पूरा करना है। सादा लिबास पहनना है, कीमती लिबास आपने नहीं पहनना। एक दफ़ा एक दुकानदार और उसका आपते कुछ कर्ज बाकी रह गया, तो आपके को उस वक्त रकम नहीं सी, तो आपने अपना जूता उतारिया और उसके को रहन रख दिता। फ
फरमाया कि यह मेरा जूता रख लै, अगर मेरे को मैं जा रहा दूसरे शहर, जिस वक्त मैं वापस आवांगा अगर उस तो पहले मेरे को रकम बन गई तो मैं भेज देंगा, मेरा जूता मैं दे देवी कि जब तक मैं तेन तेरी रकम ना अदा करा तब तक मेरा जूता तो अपने पास रख लै। कि कर्ज आपने नहीं लिया कि मैं चला जाना बाद कर्जा अदा कर देंगा, और अपना जूता उतार के उत्ते रख दिता है और खुद बगैर जूते तो आपने सफर फरमाया है। और एक दफा जिस वक्त आपने अल्लाह ताला ने इज्जत और शान अता फरमाई तो आपने इरादा फरमाया कि मैं हज करा। हज के वास्ते जा रहे ने इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख इब्ने कसीर जे वाकया दर्ज फरमाया है कि आप हज के वास्ते जा रहे ने और रस्ते में आपने वेख्या कि एक लड़की है और वो मुर्दा चिड़ी नू खान दी उसनु बनाने की कोशिश कर रही है, उसने उसनु पकड़िया है और वो कोशिश कर रही है कि मैं इसका गोश्त बना लवा ताकि इसनु खाया जा सके। तो आपने उसनु बुलाया और फरमाया कि ए बेटी ते तेनु क्या मसला है कि तू क्यों मुर्दार खा रही है। तो उस लड़की ने अर्ज़ की कि हजूर मेरे जड़े वालद साहब ने वो बहुत बड़े ताजर सन, बहुत बड़े मालदार सन और उन्होंने नाल धोखा होया, उन्होंने को सब जो उन्होंने माल से लुट लिया गया, उन्होंने अपनी मौत हो गई और मैं और मेरा भाई दो दिन तो भुखे और प्यासे हाँ कि साढ़े को खाने कुछ नहीं है, तो इस वजह तो शरीयत ने सानू मुर्दार खाने की इजाजत अदा की है, इस वजह तो मैं इस मुर्दार को खाने के वास्ते बना रही हूँ। तो आपने अपने गुलाम को बुलाया और फरमाया कि तेरे को कितनी रकम है। तो उसने दसिया कि हजूर अपने को इतने दिनार हैं क्योंकि आप हज के वास्ते जा रहे सन और हज के वास्ते जो रकम चाहिए सी वो आप लैके चले ने, क्योंकि हज फर्ज ही उसते है कि जिसके को जान की इस्तात है। तो उसने अर्ज की कि हजूर 1000 दिरहम जो है उस वक्त का सिक्का जो राजुल वक्त से फरमाया कि अपने को है, तो आपने फरमाया कि इन्होंने 20 रख लै और बाकी सारे इस लड़की दे दे। और आपने वो सारे जो दिरहम ने या दिनार उस लड़की नू अता फरमा दिते और फरमाया कि जेडे 20 दिरहम ने इन्हां दे नाल आपां वापस अपने घर पहुँच जावांगे। हज करन नालों ज़्यादा फजीलत वाला ये अमल है कि इस लड़की की खिदमत की जा सके। कि आपने हज नहीं फरमाया और हज तो रस्ते विच वापस आ गए ने, फरमाया कि इन्हां दी जो खिदमत कर देना है इन्हां नू दे देना है, हज दे नालों भी ज़्यादा फजीलत का बायस है। तो इस तरह का ईमान सी और इस तरह की आप दी शान। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपने 4 खलीफों का जमाना पाया है, यानी कि 4 वक्त दे हाकमां दे जुलम नू आपने बर्दाश्त फरमाया है। उन्होंने आप डराया भी है, धमकाया भी है, मारिया भी है, कैद भी किया है, नौकरी भी दी है, सोना चांदी भी दिता है कि किसी तरह साढ़े नाल हो जाए, लेकिन आपने हर चीज़ ठुकरा दिता, हर चीज़ नू आपने पसे पुश्त डाल दिता और फरमाया कि कभी भी जो जालिम है उसका मैं साथ नहीं देवांगा। और वजह क्या बनी कि उस वक्त का जो खलीफा है, खलीफा है मामून उसका नाम सी, उसने ये क्या कि जो कुरान है ये मखलूक है, कि कुरान मखलूक है, अल्लाह ताला तो खालिक है और अल्लाह ताला तिलावत जितनी भी चीज़ें ऐसी कहने हैं कि हर चीज़ मखलूक है, अल्लाह ताला दी पैदा करता है। तो वो कहते सन कि जेड़ा कुरान है ये भी अल्लाह ताला दी मखलूक है। आपने फरमाया कि कुरान अल्लाह ताला दी मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह ताला दा इलम है और अल्लाह ताला दा जो इलम है वो अल्लाह ताला दा जाती है। कुरान अल्लाह पाक दा इलम है और इलम अल्लाह ताला दी सिफत है और अल्लाह ताला दिया जेड़िया सिफात ने वो भी अल्लाह ताला दिया जाती ने, वो अल्लाह ताला दी मखलूक नहीं ने। कि अल्लाह ताला वेखदा है, वेखन वाला है, तो वेखना अल्लाह ताला दी सिफत है। तो ये जेड़ा अल्लाह ताला दा वेखना है ये अल्लाह ताला दी मखलूक नहीं है। इस तरह अल्लाह ताला सुनता है तो सुनना अल्लाह ताला दी सिफत है, लेकिन ये अल्लाह ताला दी मखलूक नहीं है। इवें ही अल्लाह ताला हर चीज़ नू जानता है, जानने वाला है। अल्लाह ताला
हर चीज़ की खबर रखता है, उसके को हर चीज़ का इलम है। तो यह जरा इलम है ये अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है। और जो कुरान पाक है ये भी अल्लाह ताला का इलम है, ये अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है। अब बादशाह ने एक ख्याल आ गया, उसने कह दिया कि मखलूक है, तो उसने कहा कि सारे मनो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। फरमाया कि मैं नहीं मनागा। फरमाया कि कदे भी मैं इस गल को तस्लीम नहीं करांगा कि कुरान अल्लाह ताला की मखलूक है। फरमाया कुरान अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का इलम है, अल्लाह ताला की शान है। और इस वाक्य तो पहले जो ये फितना उठिया है उस पहले इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह नू आका अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम ने दीदार कराया और फरमाया कि ऐ शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल नू जाके मेरा सलाम पहुँचा दे और उन्होंने जाके ये दसना कि तुहाडे उपर एक बड़ी आजमायश आन वाली है और अगर तुसी उस आजमायश दे विच साबत कदम रह गए तो अल्लाह ताला तुहानू सिद्दीकीन विच शामिल फरमा लवेगा, अल्लाह ताला तुहानू अपने सच्चे लोगों विच शामिल फरमा लेगा। जैसा कि खल्के कायनात ने फरमाया कि मैं युतिल्लाह व रसूला फौलाइका मल्लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, तो अल्लाह ताला दे इनाम याफ्ता लोग जड़े ने अल्लाह ताला दे खास बंदे होने जिन्हां नू अल्लाह ताला सिद्दीकीन दे विच शामिल फरमांदा है, सच्चियां विच शामिल फरमांदा है। और दूसरे मकाम दे खल्के कायनात ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वाले अल्लाह ताला दे कोलो डरो और सच्चियां दे नाल हो जाओ। औलिया कराम फरमाते ने सच्चियां दे नाल होण दा ये मतलब नहीं है कि सच्चे दे नाल झूठा बन के हो जा, अगर सच्चियां दे नाल होना ही सच्चा बन जा कि सच्चा बन जा, ये नहीं कि अल्लाह ताला दा वली एक अल्लाह ताला दा नेक बंदा है वो सच्चा है सच्चाई ते चलन वाला है, अगर तू उन्दे नाल शामिल हो जाएगा उन्दे नाल चलना शुरू कर देवेगा तू सच्चा नहीं बनेगा, तू सच्चा विच शामिल नहीं होएगा। फरमाया सच्चा बन जा अल्लाह ताला दे सच्चिया विच हो जाएगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह ताला दे कोलो डरो और सच्चियां दे नाल हो जा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आप ख्वाब आया, ख्वाब विच अल्लाह ताला दे हबीब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने दीदार अता फरमाया और फरमाया ऐ शाफई जा इमाम अहमद बिन हम्बल मेरा सलाम कह और उन्होंने मेरा पैगाम देवे, अल्लाह ताला दा रसूल हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला दा महबूब तेनु सलाम पेश फरमा रहा है और फरमा रहे ने कि तेरे ते आजमाइश आएगी एक फितना उठेगा, अगर उनका मुकाबला कर लेगा अगर साबत कदम रहेगा अल्लाह ताला तेनु सच्चियां विच शामिल फरमा लेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच हाजिर होए ने उस्ताद ने, उस्ताद अपने शागिर्द दे कोल अपने नबी दा पैगाम लेके आया है, आके आका अलैहिस्सलाम दा सलाम पहुंचाया और फरमाया अल्लाह ताला दे महबूब ने फरमाया ये ऐ अहमद अगर साबत कदम रह जाएगा अल्लाह ताला तेनु सच्चियां विच शामिल फरमा लेगा, नाले पैगाम दे रहे ने और नाले अखां दे विचों आंसू जारी ने जेड़े साबित करदे ने अल्लाह ने इमाम अहमद नो किन्नी वड्डी शान अता फरमाई सी। वक्त दा हाकिम बादशाह मामून उसने आख्या कुरान अल्लाह दी मखलूक है,
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے کیونکہ قرآن اللہ دا علم ہے اور اللہ تعالیٰ دا علم اللہ تعالیٰ دی صفت ہے اللہ تعالیٰ دیا تمام صفاتاں اللہ تعالیٰ دیا صفتاں نے اللہ تعالیٰ دی شان ہے اللہ تعالیٰ دا مقام ہے ان دی عظمت و شان نے اللہ دی مخلوق نہیں نے قرآن اللہ تعالیٰ دا علم ہے لہذا قرآن میں مخلوق نہیں مان سکتا بادشاہ نے اپنے رتبے دا فائدہ اٹھایا اپنی حکومت دا فائدہ اٹھایا حکم جاری کر دیتا جڑا بندہ اے گل نہ منے قرآن مخلوق ہے اونوں قید کر دیتا جاوے اون میرے سامنے پیش کیتا جاوے اوندا میں خود اندے کولوں جواب لاں گا میں اونوں ایندی سزا دیواں گا بڑے بڑے علماء اس وقت دے جڑے نے اپنے موقف تو پیچھے ہٹ گئے بڑے بڑے لوگ عام عوام تو عوام ہے وہ من گئے کہندے نے ٹھیک ہے اسی من لینے ہیں قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کدے نہیں مننا گا فرمایا حق ہے وے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ دی صفت ہے آپ نے فتوہ جاری فرما دیتا آپ نے فرمایا جڑا اے آکھے گا جڑا اے مننے گا جڑا اے تسلیم کرے گا قرآن اللہ دی مخلوق ہے ان دا ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں وہ ایمان دے دائرے وچ باہر نکل جائے گا ایک شخص ہے جڑا خاندان علی دے وچ ہے سید نہیں ہے مولا علی پاک دے دوسرے ازواج پاک دے وچ جڑے بیٹے نے انہاں دے وچ علوی ہے اس نے سنیا اس نے فتویٰ ویکھیا بادشاہ نو جا کے دسیا بادشاہ سلامت جڑا امام احمد بن حنبل ہے وہ تہاڈی مخالفت کر رہا ہے تہاڈے خلاف اس نے فتویٰ جاری کر دیتا ہے خلیفہ مامون نے بلایا آپ نو بلایا حکم بھیجیا کہ انہاں نو بلا کے انہاں نو میری بارگاہ پیش کیتا جاوے آپ نو بلان دے واسطے آپ دے نال کے اور بھی عالم دین اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ جڑا آپ دے موقف تے قائم سی انہاں دونوں نو اٹھا دے بٹھا دیتا گیا اٹھا دے بن کے آ رہے نے رستے وچ ایک عام آدمی ملیا آپ نو مخاطب کر کے کہندا ہے اے امام احمد یاد رکھے اے تو نہیں جا رہے ہیں سارے مسلمان دا نمائندہ جا رہے ہیں تو کلا نہیں جا رہا اے سارے مسلمان دا امام جا رہے ہیں اگر تو ڈر جائے گا اگر خوف دتائے ہو جائے گا اگر اپنا ایمان نہیں بچا سکے گا اے جان لمے تیرے نال سارے مسلمان دا ایمان خراب ہو جانے اگر تو ثابت قدم ہو گیا سارے دا ایمان بچ جائے گا اگر تو ناکام ہو گیا سارے مسلمان دا ایمان خراب ہو جائے گا اس بدو نے نصیحتاں کیتیاں نے آپ نے پہلے بھی اپنے موقف تے قائم نے اور مضبوط ہو گئے فرمایا امام احمد دی جان تو جا سکتی ہے لیکن میں غلط نو صحیح کدے نہیں آکھاں گا خلیفہ بادشاہ آپ دی بارگاہ وچ رات نو پیش کیتا گیا بادشاہ مصروف ہے اس نے کیا صبح میرے نال ملاقات کرایا جے خادم خاص نے آ کے دسیا خلیفہ نے قسم کھا لئیے خلیفہ نے قسم کھا لئیے اگر اس نے میری گل نو تسلیم نہ کیتا میں اپنے ہتھاں دے نال فوراً سر قلم کر دیاں گا آپ اتھے بیٹھ گئے نے اتھے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کر دے نے مولا ویکھ کیسا زمانہ آیا گیا تیرے بندیاں تے ظلم ہو رہا تیرے بندیاں تے ظلم و ستم کیتے جا رہے نے تیرے اور تیرے محبوب دے حکم دیاں خلاف ورزیاں ہو رہیاں نے ظالم اپنے ظلم دے آخری کنارے تے آ گیا ہے مولا
ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਜਾਤ ਆਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁਹਤਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਮੁਅੱਕਾ ਫਿਰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਮ ਉਲਾਮਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਕੈਦ ਆਮ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਮ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਕੈਦਾਂ ਜੈਸੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਐ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਤਨਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਤਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋੜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਈਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਅੱਕਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਅਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੰਮਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਈਮਾਨ ਕੈਸਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਤਕਵਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਸੀ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
अकाले सलात सलाम दे बाल मुबारक नो अपने हाथों में पकड़ के पहले उस नु बोसा देंदे ने अपने होठा दे नाल लांदे ने फिर अपनी पेशानी दे नाल लांदे ने फिर उस प्याले विच पानी पा के उंदे विच हुजूर दा बाल मुबारक भगो के निकाल लैंदे ने और जेड़ा ओ पानी है आप भी पींदे ने और मरीजा नु भी पिलांदे ने और दसदे ने मेरा ए ईमान है जिन्ना चीजा दी निस्बत हुजूर दे नाल हो गई है उन्हां नु अल्लाह ने बा बरकत बनाया है ओ अल्लाह ताला ने उन्हां नु बीमारियां वास्ते शिफा बनाया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप एक दफा बैठे ने और आप दा बेटा आप दे सामने मौजूद अपना पांव आप दे सामने जूता उतारिया आपने वेख्या बड़ा साफ पैर है बड़ा सोना पैर है और उसकी अड्डी ते कोई निशान नहीं। आपने फरमाया है बेटे इन्ना नरमो नाजक पैर लैके फिर रहे हैं तैनू पता नहीं तू इमाम अहमद दा बेटा है। अर्ज करदा है अबू जान की करा फरमाया इन्ने नरम पैर ना रख फरमाया कई दिन जूता उतार के टुरया कर तेरे पैर ते कोई निशान बन जान इन्ने नरमो नाजक पैर अच्छे नहीं ने अल्लाह ताला नू सादगी पसंद है सादा बन के रहा कर अल्लाह वाला बन के रवेगा कामयाब हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह आपनु अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है कि आ वक्त दे इमाम ने एक आप दी फिका है लेकिन इस दे बावजूद आप सुक्की रोटी खांदे ने और पानी नोश फरमांदे ने और रोटी दे नाल नमक लगा के इस्तेमाल फरमांदे ने कदे अच्छा लिबास नहीं पहनया कदे कीमती लिबास नहीं पहनया सादा लिबास पहनदे ने सर दे दस्तार मुबारक पांदे दे ने और हमेशा गल्ला हजूर दियां करदे रहंदे ने। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने आप नु किन्ना हाफजा अता फरमाया से आप फरमांदे ने मुहद्दस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने आप दी शान च किताब लिखी है उंदे विच आप लिखदे ने कि इमाम अहमद बिन हम्बल नू 10 लख हदीसा जबानी याद सन 10 लख हजूर दिया हदीसा कलिया हदीसा नहीं उन्हां हदीसा दे रावी भी उन्हां रावियां दे बाप भी उन्हां दे खानदान भी उन्हां दियां सारियां मालूमातां भी जबानी याद ने 10 लख हदीस याद है और 10 ऊंट ने जिन्हां ते आप दियां किताबां रखियां जांदियां ने और ओह सारियां किताबां भी जबानी याद ने और आपने इक किताब लिखी है मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिंदे विच तकरीबन 30,000 हदीसा ने। फरमाया मैं 7.5 लख हदीस पाक विचों चुन चुन के मैं हदीसा लिखी ने जिहड़ी मैं किताब बनाई है। इन्ना अल्लाह ताला ने हाफजा अता फरमाया है इन्नी अल्लाह ताला ने अजमत और शान अता फरमाई है दीन दे नाल इन्ना लगा हुआ है दीन दे नाल इन्नी मुहब्बत है आप दे सामने कदे कोई दुनिया दी गल नहीं कर सकदा कदे आपने दुनिया दी गल नहीं कीती आप दी मजलस विच भावे कोई शाम आवे भावे कोई सुबह आवे भावें आप घर ने मस्जिद ने जिस जगह ते ने भी गल्लां दीन दियां करनियां ने आप दी आदत मुबारक है अगर कोई आप दे कोल आ गया दुनिया दी गल करदा है खामोश हो जांदे ने दुनिया दी गल करदा है खामोश हो जांदे ने जिन्नी देर दुनिया दी गल करदा रवे आपने बैठा रहना है जदों दीन दी गल करेगा फौरन कलाम करन लग पैना है। आप दा एक पड़ोसी बड़ा गुनहगार बदकार से बड़िया बुराइया उनके विच पाइया जांदियां ने एक दिन आप दे कोल आया आके सलाम बुलाया क्योंकि गुनहगार है गुनहगार नू इज्जत देन दे नाल उनके गुनाह विच होर इजाफा होंदा है। आपने माड़ा जा जवाब दिता अच्छा जवाब नहीं दिता
आके बैठ गया। आपने चेहरा फेर लिया, कहता है हुजूर तुसा जड़ी गल मेरे नाल नफरत कर दे हो मैनू पता है, लेकिन हुण मैं ओ नहीं रह गया, मैं बदल गया वा। तुसा मेरे नाल नफरत कर रहे हो गुनाहां दी वजह दे नाल, लेकिन फरमाया मैं वो गुनाह छोड़ दिते ने। फरमाया क्यों छड़े नहीं, वजह की बनी, गल दस। अर्ज करता है मैं रात नू सोया वा और मैं ख्वाब वेख्या, ख्वाब च की वेखना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, लोग आपकी बारगाह विच हाजिर हो रहे ने, अपने वास्ते दुआवां करा रहे ने, अपने वास्ते दुआवां करा रहे ने। एक जांदा है दुआ करा के आ जांदा है, दूसरा जांदा है दुआ करा के आ जांदा है। मैं पीछे बैठा वा, मैं दिल च सोच रहा वा मैं बड़ा गुनहगार हाँ, मैं बड़ा खताकार हाँ, मैं इस लायक नहीं मैं हजूर दे सामने जावा। अल्लाह नू आजजी बड़ी पसंद है, इनकिसारी बड़ी पसंद है, निदामत बड़ी पसंद है। कहता है मैं बड़ा नादिम होया कि मैं इना गुनहगार हाँ, मैं किवें उन्हां दे कोल जावा, किस मुंह नाल उन्हां दे सामने जाके आखा मेरे वास्ते दुआ करो। सारे दुआवां करा करा के जा रहे ने, मैं पिछे बैठा वा, मैं नहीं गया। अपने आप नू कोस रहा वा कि तू अगर इना गुनहगार ना आंदा, इना बदकार ना आंदा, जे तू भी हजूर दी बारगाह जाके दुआ करा लैंदा। अर्ज करदा है हुजूर मैं उत्थे बैठा वा, थोड़ी देर तू बाद मैनू खुद हुजूर ने बुला लिया है। फरमाया आ मेरे गुलाम आ जा, आ मेरी बारगाह विच आ जा, तू गुनाहगार जरूर है लेकिन मेरे गुलामां दा तू गुस्ताख नहीं है, मेरे सहाबा किराम नू गालियां देन वाला नहीं है, तू गुनाहगार जरूर है, आ मेरी बारगाह विच आ जा, नाले बारगाह तो यो बारगाह है, अगर नवाजन ते आन फिर ए नहीं वेखना के किन्ना गुनाहगार है, और अगर इंसान गुमराह होण ते आए फिर सारियां नेकियां खत्म हो जांदियां ने। फरमाया आ तू नादम हो गया है, तू शर्मसार हो गया है, आ मेरी बारगाह विच आ जा, असा तैनू कबूल कर लिया है, असा तैनू अपना बना लिया है, तौबा कर ले, आज तू बाद तू साडा हो गया है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप ने बड़े जुलम किए गए ने, बड़े सितम किए गए, आप नू खलीफे ने बड़ा मारिया, बड़िया तकलीफा पहुँचाइया ने, इन्हें कोड़े मारे ने, आप दे कंधे जख्मी ने, आप दी कमर मुबारक भी जख्मी है, और वो जड़े जख्म ने उन्हां जख्मां दी वजह दे नाल गोशत खराब हो चुके आ, गोशत कटाना पैंदा है। नाई बयान करदा है जिहड़ा वो गोश्त कट्टण वाला है, कहिंदा है मैं गोश्त कट्टण वास्ते आया, जिहड़ा मजबूरन उन्हां नू कटाना पैंदा सी, और आप गोश्त कटवा रहे ने, साथ ही कह रहे ने ऐ अल्लाह मुतसम दी मगफरत फरमा दे, जिन्ने मारे आए उन्दे वास्ते कह रहे ने अल्लाह उन्हूं माफ कर दे। नाई हैरान हो के कहिंदा है हजूर की गल है, जख्म उन्हें दिते ने, तकलीफा उन्हें पहुंचाइया ने, उन्दे वास्ते तुसी मगफरत की दुआ कर रहे हो। आपने फरमाया तू इस रात नू नहीं जानदा, मैं तेनू फिर दसांगा। उसने जाके बादशाह नू दस्या तेनू इमाम ने माफ कर दिता है, तेरे वास्ते मगफरत दियां दुआवां कर रहा है। उसने सुनिया, अब जिहड़ा खलीफा है उसने ओही बंदा भेजिया जिन्हें आके शिकायत लाई सी, ओ अलवी मौला अली पाक दी औलाद दा बंदा जिसने जाके दस्या सी कि इमाम ने तेरे खिलाफ फतवा दिता है, जिहड़ा कुरान मखलूक नहीं मनदा कुरान अल्लाह दी सिफत मनदा है। बादशाह ने उन्हूं बुलाया, फरमाया जा इमाम नू जाके कह अगर मैनू माफ कर दिता है तो माफी नामा लिख के दे दे, अगर तू मैनू माफ कर दिता है तो लिख के दे दे। अब वो बंदा आया आप दी बारगाह विच आके अर्ज करदा है हुजूर बादशाह ने पैगाम भेजिया है। बादशाह कह रहा है कि अगर तुसा मैनू माफ कीता है मैनू लिख के दे दे।
आपने फरमाया हाँ मैं उन्हें माफ कर दिता है, लेकिन उसने आख्या कि खबर मैं पहुंचाने वाला, ये सब तकलीफा पहुंचाने की वजह मैं बनया। कहता है हजूर मैनू भी माफ कर दो। फरमाया तेनों भी माफ किया। गुलामा ने पूछया हजूर इन्हू क्यों माफ कर रहे हो, इन्हें तुहाड़ी शिकायत लाई है, इनकी वजह तू इनिया तकलीफा आईया ने। आपने फरमाया तुहानू पता नहीं ए मौला अली दी औलाद दे विचुए, कल कयामत नो अगर मौला अली ने मेरे कोल पूछ लिया मेरा बेटा तेरे कोल आया सी तू माफ क्यों ना कीता, मैं की जवाब देंगा। ये शान है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह दे कि अपने नाल जुलम करन वालियां नू भी अल्लाह दी रजा दे वास्ते माफ फरमा दिता। इस वास्ते फरमाया आशिक बन के इश्क कमावी, आशिक बन के इश्क कमावी, दिल रखी वांग पहाड़ा हजार उलामे कर जाई बाग बहारा भूत मन सूर जाए सोली चढ़ गए जेड़े वाकिफ कुल असरारा ते सजदियो सिरना चाये बाहु भावे काफिर कैन हजारा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह आपने तकरीबन 77 साल की उम्र में आपका विसाल होया और विसाल तो पहले आपने वसीयत लिखाई और उस आपने लिखिया कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह वसीयत लिख रहा कि मैं अल्लाह ताला नू एक मनना उसका किसी नू शरीक नहीं ठहरांदा और उस दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम नू मैं उसका बंदा रब दे खास मनना वा और अल्लाह ताला दे हबीब अलैहिस्सलाम दा दीन तमाम दीना दे गालिब आएगा। और फरमाया कि मैं अपनी औलाद नूं भी और सब नूं ए वसीयत करना वा कि कदे अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ना ठहराना। और आप चूंकि बीमार हो चुके सन विसाल तो पहले तो आपने अपने बेटे नूं बुलाया, बुला के आपने वजू फरमाया और मुकम्मल वजू फरमाया। अच्छी तरह वजू करने तो बाद जिस वक्त आप बावजू हो गए ने अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हुए ने तो आप दी जो रूह है वो परवाज कर गई और आपका जो जनाजा है उस वक्त 7 लाख बंदा उस वक्त आप दे जनाजे में शामिल होया सी उस दौर दे विच। और उस वक्त के जो उलामा ने वो ये फरमाते होंगे सन कि बैना ना व बैन अल कौमे अल जनाजो कि साढ़े और लोगों के दरमियान फैसले साढ़े जनाजे करे। शायद सुनिया होगा ना कि साढ़े जो जनाजे ने वो फैसला करे। सो कई दफा सुनिया होगा तो ये सब तो पहले जो फरमान है ये फरमान है ही इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह दा। आप फरमाते सन कि साढ़े जो जनाजे ने वो साढ़े फैसले करे। और यही जिस तरह बुजुर्ग फरमा रहे हैं अलामा खादम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्ला अलैह आप भी यही फरमाते सन कि साढ़े जो जनाजे ने वो साढ़े फैसले करे। तो अल्लाह वाले जड़े ने उन्होंने अल्लाह ताला उन्होंने शान विखा देता है दुनिया वालों को। कदे शान जो वक्त का हाकम जो मर्जी कर लवे लेकिन जो अल्लाह वाले की शान है उसनों कदे मिटा नहीं सकता। अल्लाह ताला उसनों जरूर दिखाता है।
दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा हुम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।